आज हम डिस्कस करेंगे इंटीग्रेटेड प्लांट डिजीज मैनेजमेंट, जिसे हम शॉर्ट में IPM कहते हैं। इसको हम इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के नाम से भी जानते हैं। इसका कंसेप्ट, एडवांटेजेस एंड इम्पॉर्टेंस, यह टॉपिक MSc फाइनल स्पेशल पेपर प्लांट पैथोलॉजी का है। और इसको हम देखते हैं आगे डेफिनेशन। सबसे पहले डेफिनेशन क्या है इंटीग्रेटेड प्लांट डिजीज मैनेजमेंट। इंटीग्रेटेड प्लांट डिजीज मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड एज ए डिसीजन बेस्ड प्रोसेस इन्वॉल्विंग कोऑर्डिनेटेड यूज ऑफ मल्टीपल टैक्टिस फॉर ऑप्टिमाइजिंग द कंट्रोल ऑफ पैथोजन इन एन इकोलॉजिकली एंड इकोनॉमिकली। इकोलॉजिकली और इकोनॉमिकली किस तरीके से हम डिजीज का मैनेजमेंट कर सकते हैं, यह इसका टारगेट होता है कि इंटीग्रेटेड प्लांट डिजीज जो पैदा हो रही हैं उनका मैनेजमेंट जो है वो किस तरीके से किया जाए। द इम्प्लीकेशंस आर साइमल्टेनियस मैनेजमेंट ऑफ मल्टीपल पैथोजन्स, रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ पैथोजन इफेक्ट्स एंड देयर नेचुरल एनिमीज एंड एंटागोनिस्ट एज वेल। तो रेगुलर हमें क्या करना होगा, पैथोजन का मॉनिटरिंग करनी होगी, उसका इफेक्ट देखना होगा, उसके नेचुरल एनिमीज कौन हैं और उसके प्रति एंटागोनिस्टिक फंजाई कौन सी हैं जो उसको इरेडिकेट कर सकती हैं। यूज ऑफ इकोनॉमिक और ट्रीटमेंट थ्रेशोल्ड्स व्हेन अप्लाइंग केमिकल्स, इंटीग्रेटेड यूज ऑफ मल्टीपल्स सप्रेसिव टैक्टिस। अब आते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ प्लांट डिजीज कंट्रोल। सबसे पहले आता है अवॉइडेंस। तो अवॉइडेंस में क्या आएगा कि हमें डिजीज को क्या करना है, प्रिवेंट करना है। ईयर के हिसाब से कहाँ पर ये डिजीज पैदा हो रही है, कहाँ पर इसका इनोकुलम है, इनोकुलम जो है वो कम से कम हो जिससे एनवायरनमेंट जो है उसके लिए फेवरेबल ना हो इन्फेक्शन के लिए। तो इनोकुलम जितना कम होगा उतना ही हम उसको कंट्रोल करने में कामयाब हो सकते हैं। नंबर टू, एक्सक्लूजन प्रिवेंट्स द इंट्रोडक्शन ऑफ इनोकुलम। थर्ड है इरेडिकेशन, एलिमिनेट्स डिस्ट्रॉय और इनएक्टिवेट दी इनोकुलम। तो इरेडिकेशन में हम क्या करते हैं, जो इन्फेक्टेड प्लांट्स हैं, संक्रमित प्लांट्स हैं, उनको हम क्या करते हैं, इरेडिकेट कर देते हैं, खेतों से उनको जड़ से उखाड़ कर जला दिया जाता है, डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, जिससे इनोकुलम जो है वो वहीं का वहीं समाप्त हो जाए और आगे स्प्रेड ना कर पाए। फोर्थ है प्रोटेक्शन, prevents infection by means of a toxicant or some other barrier to infection. यदि कहीं infection हो भी गया है तो उसमें हम कोई भी biological control करके या chemical control करके उसको क्या करते हैं, infection को prevent करते हैं, जिससे आगे infection जो है वो फैलने में समर्थ ना हो। Fifth है resistance, utilizes cultivars that are resistant to or tolerant of infection. तो यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए, रेजिस्टेंट वेराइटीज़ का या कल्टीवार्स का यूज़ करना चाहिए जिससे कोई भी डिजीज़ जो है वो स्प्रेड ना हो पाए। सिक्स्थ है थेरेपी, क्योर प्लांट्स दैट आर ऑलरेडी इन्फेक्टेड। जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड प्लांट्स हैं उनका क्योर किया जाना चाहिए। नेक्स्ट आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग अक्रेंसेस। फैक्टर्स विच अफेक्ट प्लांट डिजीजेस आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग फंजाई, बैक्टीरिया, वायरसेस, माइकोप्लाज्मा एक्सेट्रा। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं जिसमें हम फंजाई से बीमारियां पैदा होती हैं, बैक्टीरिया से होती हैं, वायरस से होती हैं और माइकोप्लाज्मा से होती हैं। लैक और एक्सेस ऑफ सॉइल मॉइस्चर एंड एरेशन, डेफिशिएंसी और एक्सेस ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स, सॉइल एसिडिटी और एल्काइनिटी एक्सेट्रा। इसके अलावा यदि सॉइल मॉइस्चर अधिक है, एरेशन प्रॉपर नहीं है, डेफिशिएंसी है मिनरल न्यूट्रिशंस की या प्लांट न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी है या उनकी एक्सेसिवनेस है, दोनों ही हार्मफुल हैं। डेफिशिएंसी भी उतनी ही हार्मफुल है जितनी कि एक्सेसिवनेस भी हार्मफुल है प्लांट न्यूट्रिएंट्स की। सॉइल में यदि एसिडिटी या एल्कलिनिटी है एक एक्सट्रीमिटी पर तो भी ये प्लांट्स जो हैं वो कैसे होते हैं, ससेप्टिबल होते हैं डिजीज के प्रति। थर्ड पॉइंट आता है फैक्टर्स दैट लिमिट द रेट ऑफ डिजीज डेवलपमेंट आर द रिलेटिवली लो अमाउंट्स ऑफ इनोकुलम इन द लैग स्टेज एंड द पॉसिटी ऑफ हेल्दी प्लांट्स अवेलेबल टू द इनोकुलम इन द स्टेशनरी स्टेज। यदि इनोकुलम कम है
शुरुआती दौर में, जिसको हम लैग स्टेज कहते हैं, और हेल्दी प्लांट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, तो स्टेशनरी फेज में इनोकुलम के बढ़ने के चांसेस जो हैं वो काफ़ी कम रहते हैं। नॉन लिविंग एजेंट्स जिनको हम एबायोटिक एजेंट्स कहते हैं, वो जो हैं मिनरल डेफिशिएंसी से, एयर पॉल्यूटेंट्स से, बायोलॉजिकली टॉक्सिकेंट्स जो प्रोड्यूस होते हैं उनके द्वारा, पेस्टिसाइडल केमिकल्स के द्वारा और एनवायरमेंटल फैक्टर्स के द्वारा, जिनमें विंड, वाटर और टेम्परेचर और सनलाइट आते हैं, उसके द्वारा भी डिजीज कॉज करते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स एज प्राइमरी एजेंट्स ऑफ डिजीज, दे कंटिन्यूसली इरिटेट प्लांट सेल्स एंड टिश्यूज, दे आर हार्मफुल टू द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ प्लांट्स। अब आता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड आइदर बाई ब्रेकिंग डाउन डेड प्लांट्स एंड एनिमल रिमेन्स, जिनको हम सेप्रोफाइट्स कहते हैं, जो डेड एनिमल्स से या डेड प्लांट्स से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं, सेप्रोफाइट्स कहते हैं, और बाई अटैकिंग लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट इज कॉल्ड एज द पैरासाइट्स, यानी परजीवी, जो लिविंग प्लांट्स और एनिमल्स पर अटैक करते हैं उनको हम पैरासाइट्स कहते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हैं वो क्या करते हैं, डिजीज कॉज कर सकते हैं। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स, द पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म एक्सक्रीट एंजाइम्स और टॉक्सिन्स एंड किल द सेल्स ऑफ द टिश्यूज ऑफ द होस्ट प्लांट। तो पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म जब अटैक करते हैं किसी प्लांट के ऊपर, तो ये क्या करते हैं, टॉक्सिन्स को रिलीज करते हैं, जिससे सेल्स जो हैं वो मर जाते हैं और उनसे अपने एंजाइम्स एक्सक्रीट करके उनसे अपना पोषण प्राप्त करते हैं और क्या करते हैं, बीमारी को फैलाने में मदद करते हैं। नेक्स्ट है पैरासाइट्स। पैरासाइट्स क्या हैं, यानी परजीवी क्या हैं। वन ऑफ द फैक्टर्स कॉजिंग प्लांट डिजीज इज पैरासाइट्स, दोज लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट कैन कॉलोनाइज द टिश्यूज ऑफ देयर होस्ट प्लांट विक्टिम्स एंड कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम प्लांट टू प्लांट। These biotic agents are therefore infectious and the diseases they cause are termed infectious diseases. तो परजीवी क्या है, जो जीवित पौधों पर या जीवित एनिमल्स पर अपना अटैक करके उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं और बदले में उनको बीमारी देते हैं, तो ऐसे परजीवियों को हम पैरासाइट्स कहते हैं। और ये कैसे हैं, बायोटिक एजेंट्स हैं और इन्फेक्शियस होते हैं और डिजीज कॉज करने का काम करते हैं। नेक्स्ट आता है एबिलिटी टू प्रोड्यूस एन इनोकुलम। द पैरासिटिक पेस्ट मस्ट प्रोड्यूस एन इनोकुलम, सम स्ट्रक्चर दैट इज अडेप्टेड फॉर ट्रांसमिशन टू ए हेल्दी प्लांट एंड दिस कैन आइदर पैरासिटाइज द होस्ट डायरेक्टली और डेवलप अनदर स्ट्रक्चर दैट कैन एस्टेब्लिश ए पैरासिटिक रिलेशनशिप विद द होस्ट। फॉर एग्जाम्पल, इनोकुलम फॉर वायरसेस आर द वायरल पार्टिकल्स, जिनको हम वायरन्स कहते हैं। फॉर बैक्टीरिया द बैक्टीरियल सेल्स। फॉर फंजाई वेरियस काइंड्स ऑफ स्पोर्स और द हाइफल थ्रेड्स ऑफ मोल्ड। फॉर नेमेटोड्स एग्स और सेकेंड स्टेज लार्वा। तो ये जो हैं डिजीज कॉज करते हैं। एजेंट्स मीडिया फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इनोकुलम। The inoculum must be transported from its source to a part of a host plant that can be infected. This dispersal of inoculum to susceptible tissues is termed inoculation. Agents of inoculation may be insects for most viruses and mycoplasma-like organisms, and for some bacteria and fungi, wind for many fungi and splashing rain. ये सब क्या हैं? Agents हैं जो inoculum को transport करने का काम करते हैं। Wombs and natural openings. The parasite must enter the host plant, which it can do in one or more of the three ways. किसके द्वारा इनकी एंट्री होती है, जो parasites हैं उनकी एंट्री प्लांट्स के अंदर किसके द्वारा होती है, तो या तो wombs के द्वारा होती है या फिर natural openings. Natural openings कौन सी हैं, जैसे stomata हैं, lenticels हैं, इनके द्वारा भी ये spores जो हैं वो infect कर सकते हैं। By growing directly through the unbroken protecting surface of the host, viruses are literally injected into the plant as the homopterous insect carrier probes and feeds within its host. Bacteria depend on wounds or natural openings, for example, stomata, hydathodes and
लेंटिसेल्स। अब फूड की अवेलेबिलिटी क्या है? फॉर अक्रेंस ऑफ डिजीज वन ऑफ द फैक्टर अफेक्टिंग इज अवेलेबिलिटी ऑफ नरिशमेंट टू ग्रो विद इन इट्स होस्ट। दिस एक्ट ऑफ कॉलोनाइजेशन इज टर्म्ड इन्फेक्शन। सर्टेनली द पैरासिट डैमेज द साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन्स ऑफ द होस्ट सेल्स मेकिंग दोज मेम्ब्रेन्स फ्रीली परमेबल टू सॉल्यूट्स दैट वुड नरिश द पैरासाइट अपॉन कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स एंड लिपिड्स इनसाइड द होस्ट सेल। तो जब भी कोई पैरासाइट अटैक करता है तो अटैक करने के सबसे पहले क्या करता है, उसकी सेल मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय करता है। सेल मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय करके जब नीचे सेल्स के अंदर जाता है कॉर्टेक्स रीजन में, तो वहाँ पर क्या करता है, एपिसोरिया का फॉर्मेशन करता है और सारी जो अंतर वस्तुएं हैं स्पोर की यानी न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, वो एपिसोरिया में इकट्ठे हो जाते हैं और एपिसोरिया से फिर क्या निकलते हैं, हाइफी निकलते हैं। ये हाइफी सेल्स के अंदर मूव करते हैं। सेल्स में ये दो तरीके से फैलते हैं, या तो इंटरसेल्युलर या फिर इंट्रासेल्युलर, अंतर कोशिकीय और अंतराकोशिकीय। इन दोनों में फैलकर ये सेल्स से क्या करते हैं, प्रोटीन्स लिपिड्स कार्बोहाइड्रेट्स आदि को एब्जॉर्ब करते हैं और तेजी से बढ़ने लगते हैं। तो प्लांट होस्ट के जो होस्ट का मटेरियल है, जो होस्ट का फूड मटेरियल है, उसको ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं और प्लांट को डिजीज्ड कर देते हैं। द ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स ऑफ सच कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स वुड डिफ्यूज अक्रॉस द डैमेज्ड होस्ट सेल मेम्ब्रेन्स एंड बी एब्जॉर्ब्ड बाय द पैरासाइट इन द फॉर्म ऑफ शुगर एंड अमीनो एसिड्स। नाउ व्हाट इज द प्रिवेंटिव मेजर्स, क्या प्रिवेंटिव मेजर्स हम ले सकते हैं? कल्चरल प्रैक्टिसेस। कल्चरल प्रैक्टिसेस यूजुअली इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ डिजीज इन प्लांट्स बाय अफेक्टिंग द एनवायरनमेंट। सच प्रैक्टिसेस आर इंटेंटेड टू मेक द एटमॉस्फेरिक एडेफिक और बायोलॉजिकल सराउंडिंग्स फेवरेबल टू द क्रॉप प्लांट्स अनफेवरेबल टू इट्स पैरासाइट। तो हमको ऐसी सरकमस्टेंसेस जो है वो ग्रो करनी पड़ेंगी जिससे जो एनवायरनमेंट के फेवर में हो, सॉइल के फेवर में हो, बायोलॉजिकल सराउंडिंग्स जो है वो क्रॉप के फेवर में हो और पैरासाइट्स के लिए अनफेवरेबल हो। कल्चरल प्रैक्टिसेस दैट लीड्स टू डिजीज कंट्रोल हैव लिटिल इफेक्ट ऑन द क्लाइमेट ऑफ ए रीजन बट कैन एग्जर्ट सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन द माइक्रो क्लाइमेट ऑफ द क्रॉप प्लांट्स इन ए फील्ड। थ्री स्टेजेस ऑफ पैरासाइट्स लाइफ साइकिल नेमली सर्वाइवल बिटवीन क्रॉप्स, प्रोडक्शन ऑफ इनोकुलम फॉर द प्राइमरी साइकिल एंड इनोकुलेशन कैन बी कंट्रोल बाय फॉलोइंग प्रिवेंटिव मेजर्स। नेक्स्ट आता है सर्वाइवल बिटवीन क्रॉप्स। ऑर्गेनिज्म दैट सर्वाइव इन द सॉइल कैन ऑफन बी कंट्रोल्ड बाय क्रॉप रोटेशंस। तो क्रॉप रोटेशंस हम जब करते रहते हैं तो सॉइल में जो भी स्पोर्ट्स पड़े हुए हैं जो कई सालों तक जो है सर्वाइव करते हैं, तो धीमे धीमे उनकी इंटेंसिटी जो है वो ख़त्म होती जाती है। जितना पहले साल में उनकी इंटेंसिटी होगी इन्फेक्शन की, वो दूसरे साल में नहीं होगी, और दूसरे साल में होगी तो वो तीसरे साल में नहीं होगी। यदि हम क्रॉप रोटेशंस करते जाते हैं तो धीमे धीमे स्पोर्ट्स जो हैं वो उनकी इंटेंसिटी जो है वो कम होती जाती है। सॉइल बॉर्न प्लांट पैथोजेंस कैन बी कंट्रोल्ड बाई बायोलॉजिकल मैथड्स। जो सॉइल बॉर्न प्लांट पैथोजेंस हैं उनको बायोलॉजिकल मेथड से कंट्रोल किया जा सकता है। प्लांट पैरासाइट्स में भी कंट्रोल्ड बाय एंटागोनिस्टिक ऑर्गेनिज्म बाय सच कल्चरल प्रैक्टिसेस एस ग्रीन मैन्यूरिंग। तो ग्रीन मैन्यूरिंग के द्वारा भी हम एंटागोनिस्ट ऑर्गेनिज्म का यूज करके प्लांट पैरासाइट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। द सॉइल इन्वेडिंग पैरासाइट दस बिकम एन एमेंसल इन एसोसिएशन with its antagonist. Soil-borne plant parasites may also be killed during their over-seasoning stages by such cultural practices as deep plowing. तो हमें गहरा खेत खोदने से भी जो soil-borne plants हैं उनमें मिट्टी क्या होती है, ऊपर आ जाती है, उसको खेतों को हम फिर काफ़ी दिनों के लिए खुला छोड़ देते हैं, सूरज के टेम्परेचर के साथ में स्पोर्ट्स जो हैं वो डेड हो जाते हैं। तो डीप प्लाइंग करके भी हम सॉयल बॉर्न पैथोजेंस को ख़त्म कर सकते हैं। सीड ऑफ एनुअल प्लांट्स मे बी कंट्रोल्ड थेरापेटिकली। थेरापेटिक ट्रीटमेंट्स ऑफ हीट एंड सर्जरी आर एप्लीकेबल हियर। रिमूवल ऑफ कैंकर्ड लिम्स
हेल्प्स कंट्रोल दी फायर ब्लाइट ऑफ पियर्स। कैंकर्ड लिम्स को हम क्या करेंगे, हटा देंगे, तो उससे भी जो ब्लाइट है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। द हॉट वाटर ट्रीटमेंट ऑफ कैबेज सीड कंट्रोल्स दी बैक्टीरियल डिजीज नोन एज ब्लैक रॉट। हॉट वाटर ट्रीटमेंट के द्वारा हम कैबेज के सीड्स को कंट्रोल कर सकते हैं, बैक्टीरियल डिजीज को कंट्रोल कर सकते हैं जो ब्लैक रॉट कैबेज में कॉज करती है। हीट थेरेपी इज ऑल्सो यूज टू रिट पेरिनियल होस्ट ऑफ प्लांट पैरासिटिक नेमेटोड्स। अब प्रोडक्शन ऑफ इनोकुलम फॉर द प्राइमरी साइकिल। यहाँ पर एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो हैं वो मेजर रोल प्ले करते हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर्स पर्टिकुलरली टेम्परेचर, वाटर एंड ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स सिग्निफिकेंटली अफेक्ट इनोकुलम प्रोडक्शन। वार्म टेम्परेचर यूजुअली ब्रेक डॉर्मेंसी ऑफ ओवर सीजनिंग स्ट्रक्चर्स। रेन में लीच ग्रोथ इनहिबिटर्स फ्रॉम द सॉइल एंड परमिट जर्मिनेशन ऑफ रेस्टिंग स्पोर्स एंड स्पेशल न्यूट्रिएंट्स में स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ ओवर सीजनिंग स्ट्रक्चर दैट प्रोड्यूस इनोकुलम। डिस्पर्सल ऑफ इनोकुलम एंड इनोकुलेशन। कल्चरल प्रैक्टिसेस दैट एक्सेम्प्लीफाई अवॉइडेंस आर समटाइम्स यूज्ड टू प्रिवेंट इफेक्टिव डिसेमिनेशन। ए सेकेंड हायरार्की ऑफ रेगुलेटरी डिजीज कंट्रोल इज प्लांट क्वारंटाइन। यदि हम प्लांट्स को क्वारंटाइन में कुछ समय के लिए रखते हैं तो ये डिजीज जो है वो वहीं पर समाप्त हो जाती है। एग्जाम्पल है, फ्लोरिडा इम्पोजेस क्वारंटाइन अगेंस्ट द सिट्रस कैंकर बैक्टीरियम विच वॉज एलिमिनेटेड फ्रॉम द स्टेट अर्लियर बाई मीन्स ऑफ कोऑपरेटिव एफर्ट्स लेड बाई द फ्लोरिडा डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। सैंपल इंस्पेक्शन, तो हमें क्या करना चाहिए, सैंपल्स का इंस्पेक्शन भी करना चाहिए जिससे डिजीज को प्रिवेंट किया जा सके। वन ऑफ द प्रिवेंटिव मेजर्स टू कंट्रोल द डिजीजेस इज द यूज ऑफ सैंपल इंस्पेक्शन मेथड्स। लेबोरेटरी इवैल्यूएशन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव सैंपल ड्रॉन बाय द सर्टिफिकेशन एजेंसी फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ जर्मिनेशन, मॉइस्चर कंटेंट, वीड सीड कंटेंट, एड मिक्सचर, प्योरिटी, सीड बॉन्ड पैथोजन्स। तो हमें लेबोरेटरी में इनका सीड्स का सबसे पहले इवैल्यूएशन करवा लेना चाहिए और सर्टिफाइड सीड्स का उपयोग जो है वो हमें खेती के लिए करना चाहिए जिससे डिजीज जो है प्रिवेंट हो सके। अब आता है कंट्रोल मेजर्स। अब यदि डिजीज हो ही गई है तो उसको हम कंट्रोल किस तरीके से कर सकते हैं। तो पहला आता है केमिकल कंट्रोल। द पेस्टिसाइडल केमिकल्स दैट कंट्रोल प्लांट डिजीजेस मे बी यूज्ड इन वेरी डिफरेंट वेज डिपेंडिंग ऑन द पैरासाइट टू बी कंट्रोल्ड एंड ऑन द सर्कमस्टेंसेज इट रिक्वायर्स फॉर पैरासिटिक एक्टिविटीज। वेयर एज रिलेटिवली इनसॉल्युबल प्रोटेक्टिव फंजीसाइड्स आर अप्लाइड रिपीटेडली टू द ग्रीन लीव्स ऑफ पोटैटो प्लांट्स टू सेफगार्ड देम फ्रॉम पेनिट्रेशन बाय द फंगस ऑफ लेट ब्लाइट। ऑल्सो सिस्टमैटिक फंजीसाइडल केमिकल्स मे बी यूज थेरापूटिकली। वॉलेटाइल फंजीसाइड्स आर ऑफन यूजफुल एज सॉयल फ्यूमिगेटिंग केमिकल्स दैट हैव इरेडिकेटेड एक्शन। तो वॉलेटाइल फंजीसाइड्स कौन से होते हैं, जो वेपर के रूप में एटमॉस्फेयर में फैल जाते हैं और जो भी स्पोर्ट्स हैं उनको खत्म कर देते हैं। द केमिकल कंट्रोल ऑफ प्लांट डिजीजेज इज क्लासिफाइड इन थ्री कैटेगरीज, सीड ट्रीटमेंट्स, सॉइल ट्रीटमेंट्स एंड प्रोटेक्टिव स्प्रेज एंड डस्ट। तो सीड ट्रीटमेंट्स में हम सबसे पहले सीड को सो करने से पहले हम क्या करते हैं, सीड्स का ट्रीटमेंट करते हैं जिससे जो भी सीड बॉर्न पैथोजन्स हैं वो उसी टाइम समाप्त हो जाएं। सॉइल ट्रीटमेंट में सॉइल में जो पैथोजन्स पड़े हुए हैं यदि हम सॉइल का ट्रीटमेंट कर देते हैं तो सॉइल में पड़े हुए पैथोजन्स जो हैं वो समाप्त हो जाते हैं। एंड प्रोटेक्टिव स्प्रेज एंड डस्ट, जब प्लांट्स ग्रो करते हैं तब उसमें हम स्प्रे कर देते हैं डस्ट का और केमिकल्स का जिससे कोई भी पैथोजन यदि लीव्स पर या पौधे के ऊपर सर्वाइव कर रहे हैं तो वो वहाँ पर समाप्त हो सके। सीड ट्रीटमेंट में क्या करेंगे, केमिकल ट्रीटमेंट्स ऑफ सीड्स में भी इफेक्टिव इन कंट्रोलिंग प्लांट पैथोजन्स इन ऑन एंड अराउंड प्लांटेड सीड्स। सीड ट्रीटमेंट इज थेरापूटिक वेन इट किल्स बैक्टीरिया और फंजाई दैट इन्फेक्ट एम्ब्रियोज, कोटाइलेडन्स और एंडोस्पर्म्स अंडर द सीड कोट। इरेडिकेटिव वेन इट किल्स स्पोर्ट्स ऑफ फंजाई दैट कंटेमिनेटेड
seed surfaces and protective when it prevents penetration of soil-borne fungi into seedling stems. Certified seed is usually given treatment necessary for the control of certain diseases. Seed treatment is of two types, viz. Physical and chemical. तो इनका हम seed treatment कर देते हैं या फिर हम certified seeds का use करते हैं. Physical treatments include hot water treatment, solar heat treatment and the like. है ना, लूज स्मट ऑफ वीट के लिए हम सोलर हीट ट्रीटमेंट कर सकते हैं, हॉट वाटर ट्रीटमेंट कर सकते हैं. केमिकल ट्रीटमेंट्स इंक्लूड यूज ऑफ फंजीसाइड्स एंड बैक्टेरिसाइड्स. दीज फंजीसाइड्स आर अप्लाइड टू सीड बाय डिफरेंट मेथड्स. इन वन मेथड द सीड इन स्मॉल लॉट्स इज ट्रीटेड इन सिंपल सीड ट्रीटर्स. द सीड डिप मेथड्स इन्वॉल्व्स प्रिपेयरिंग फंजीसाइड सस्पेंशन इन वाटर ऑफन एट फील्ड रेट्स and then dipping the seeds in it for a specified time. तो इस तरीके से हम seed treatments करते हैं. Some chemicals commonly used to control plant diseases. कुछ chemicals हैं जिनका हम बहुत commonly इस्तेमाल करते हैं plant disease को control करने में. ये यहाँ पर आप देखिए, ये list है, seed treatments, all fungicides, इसमें ये आप नाम देख सकते हैं, क्लोरेनेव है, कार्बोक्सिन है, सॉइल ट्रीटमेंट्स में PCNB है, SMDC है, MIT है और DD मिक्सचर है. प्लांट प्रोटेक्टिव ट्रीटमेंट्स में हम कॉपर कंपाउंड्स का यूज़ करते हैं, सल्फर फंजीसाइड्स, मानेव फंजीसाइड्स, जीनेव का, डाइनोकैप और साइक्लोहेक्सामिडेब का यूज़ करते हैं. प्रोटेक्टिव स्प्रेस एंड डस्ट. प्रोटेक्टिव फंजीसाइड्स प्रिवेंट जर्मिनेशन, growth and penetration. In order to use protective fungicides effectively, the farmer must not only select the right fungicides for the job but also apply it in the right amount at the right time and the right way. तो इनका use जो है वो तरीके से हमें करना होता है, right time पर, right amount में और right way में. Too little fungicides fail to control disease, too much may be toxic to the plants to be प्रोटेक्टिंग. तो फंजीसाइड का जब हम यूज करते हैं तो बहुत कम भी नहीं होना चाहिए जिससे कंट्रोल नहीं हो सके डिजीज का, और या फिर बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए. ज्यादा होने से क्या होता है, ये फंजीसाइड जो है वो प्लांट के लिए टॉक्सिक हो जाते हैं. यहां पर ये टॉपिक समाप्त होता है. थैंक यू.